आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। आदाब, आदाब यानी अदब, अदब यानी रिस्पेक्ट। और लखनवी आदाब नवाब वाजिद अली शाह, जो कि अवध के आखिरी ताजदार थे, उनकी ईजाद है। पहले ज़माने में अगर मुसलमान हैं तो उन्होंने कहा अस्सलामुन अलैकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अगर और मज़हब के हैं उन्होंने कहा नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, ये दोनों सैल्यूटेशंस थे। लेकिन इससे मालूम होता था कि फला शख्स फला मज़हब से जुड़ा हुआ है। तो नवाब वाजिद अली शाह चूँकि एक्सट्रीमली सेकुलर थे और उन्होंने मुआशरे में इंसान को मज़हब से जुदा किया और अदब से जोड़ा। आदाब अदब का प्लूरल है, अदब यानी रिस्पेक्ट, आदाब रिस्पेक्ट इन ऑल फॉर्म्स। और उन्होंने ये सेकुलर कॉमन कोड ऑफ सैल्यूटेशन जो दिया तो वो यूनेस्को ने इतना पसंद किया कि यूनेस्को हैज़ प्रपोज्ड लखनवी आदाब टू बी गिवन अ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस अंडर इनटैंजिबल हेरिटेज। और ये लखनऊ से शुरू होके पूरी दुनिया में राइज हुआ। इसमें आप बहुत नॉर्मल पोजीशन में खड़े होते हैं, आप थोड़ा सा बेंड करते हैं, आपकी नज़रें जिनको आप आदाब कर रहे हैं नीम खुली होती हैं, नीम बंद होती हैं, यानी आप उनको घूर भी नहीं रहे होते हैं और आँखें बिल्कुल बंद भी नहीं होती हैं। आपके लबों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट होती है और आप उनको झुक के आदाब बजा लाते हैं। उस दौर में उर्दू शीरी ज़बान बोली जाती थी, हर एक बोलता था, हर मज़हब के लोग बोलते थे। महफिल में आप अंगरखा और दुपल्ली टोपी लगाए हुए हैं और लखनवी आदाब बजा ला रहे हैं तो ये मालूम ही नहीं होता था कि आपका ताल्लुक़ किस मज़हब से है। आप एक खालिस लखनवी हैं, इसमें कोई मज़हबी बाउंडेशन नहीं है, इसमें मज़हब का कोई सिलसिला नहीं है, इसमें एटिकेट्स, मैनरिज्म, सोफिस्टिकेशन और आपका कल्चर उससे आया होता है कि अगर आप लखनवी आदाब कर रहे हैं तो मालूम हो जाएगा कि आप लखनऊ के हैं।